हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो आप बच्चों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम अब तक पढ़े थे वो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री थी, जहां हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लेकर इक्वेशन सॉल्व किया करते थे, लाइन की इक्वेशन सॉल्व किया करते थे, डिस्टेंस निकाला करते थे दो पॉइंट के बीच का, है ना, लाइन की इक्वेशन निकाला करते थे। वहां पर हमारे पास क्या हुआ करता था, सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हुआ करता था। सिर्फ जिस तरह से मान लो हमारे पास ये हुआ करता था कि एक्स और वाई प्लेन के बीच में है, यहाँ पर कोई पॉइंट लोकेट करना है तो हमने एक्स और वाई उसके कोऑर्डिनेट दे दिए। मान लो एक पॉइंट और मैंने यहाँ पर ले लिया, ये एक्स वन वाई वन, और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया एक्स टू वाई टू। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने निकाला तो ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर एंड प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। तो ये सब हमने क्या पढ़ा, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास थर्ड डायमेंशन और ऐड हो जाया करता है। जो भी हमने प्लेन फिगर अब तक पढ़े थे, जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, ट्राइंगल पढ़ा, है ना, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, ये सारे के सारे फिगर जो थे ये टू डायमेंशनल फिगर थे। इसमें हमें सिर्फ टू डायमेंशन की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, लेंथ एंड ब्रेथ, है ना। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल फिगर। सपोज दैट जिस रूम में हम इस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं, इस रूम में लेंथ और ब्रेथ के अलावा एक हाइट और होती है। तो अब अगर मुझे कोई भी पॉइंट यहाँ लोकेट करना है, बिल्कुल बीच में यहाँ पर मुझे कोई पॉइंट लोकेट करना है, तो उसका एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और ये हाइट वाली एक्सिस यानी जेड एक्सिस से, तीनों से डिस्टेंस हमें मेजर करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो मोशन होती है हमारे पास, यानी जो ये जो मेरा स्पेस है, ये जो प्लेन है, यहाँ पर जो मोशन होगी इसको हम थ्री डायमेंशनल में क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ लोकेट कर दिया मैंने, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब मैं निकालूंगा तो उनका एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करो ये हमने इस तरह से ऐसे लोकेट करते हैं। अब ये एक्स हो गया, अगर इसको वाई मान लेते हैं तो जेड एक्सिस इधर आएगा, और अगर ये जेड मान लेते तो ये वाई एक्सिस आ जाता है। ये डिपेंड करता है अपनी चॉइस पर। तो यहां पर हमारे पास कोई पॉइंट हमने यहाँ पर लोकेट किया है, मान लो कि पॉइंट मैंने कोई सी पॉइंट लोकेट किया है, तो यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड तीनों तरह की एक्सिस से डिस्टेंस दिखानी पड़ेगी। एक्स वाई जेड यानी कि एक्स एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस दिखाएंगे, वाई एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस दिखाएंगे और जेड एक्सिस से भी इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो एक्स वन वाई वन जेड वन, सपोज करो ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्यू, इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू और जेड टू, दोनों कोऑर्डिनेट हम दिखाए जाएंगे। क्यों दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये इसको ओरिजिन से हमने दिखा दिया यहाँ पर। तो अब हमें अगर पी से क्यू तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले में सिर्फ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तीसरा एक कोऑर्डिनेट ऐड हो जाता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर एंड प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ये सब क्या है, ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में रिप्रेजेंटेशन है। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई एक्सिस के अलावा एक थर्ड एक्सिस हमने और इंट्रोड्यूस कर दी है। और इसके अलावा हमने क्या किया है, जो भी हमने फॉर्मूले अब तक पढ़े हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में 11th क्लास में, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वहां पर एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट ऐड हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे, ये सारे के सारे फॉर्मूला जो भी हमने निकालने हैं, वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नया टर्म और ऐड हो जाएगा। इसका जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अब 12th स्टैंडर्ड से कुछ वेक्टर की फॉर्म में इसकी बातें पढ़ेंगे। यानी कि जो हम लाइन की इक्वेशंस पढ़ा करते थे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, अब हम लाइन पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, है ना। लाइन एक पॉइंट से जाने वाली लाइन, किसी लाइन के पैरेलल लाइन, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, उसको हम वेक्टर फॉर्म में और ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ दो तरीके से पढ़ा जाएगा, यानी कि जो लाइन की इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में, और जो लाइन की इक्वेशन है उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म एज वेल एज वेक्टर फॉर्म, दो फॉर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में ही पढ़ेंगे। तो इसके लिए अब स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन।
किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोजाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन, कोजाइंस यानी कॉस, एंगल ऑफ कॉस ऑफ द एंगल। तो सपोज करो ये एक लाइन है, किसी भी एक साइड में डायरेक्टेड है, इधर या इधर, क्योंकि लाइन जो होती है उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो किसी भी डायरेक्शन में क्या करी जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, एक्सटेंड की जा सकती है। तो मैंने ओरिजिन से पास होती एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहां पर ये लाइन पर मैंने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया एक्स वाई जेड। तो इस पॉइंट का यहां से और यहां से, तीनों से क्या होगा, एक डिस्टेंस होगा, जो एक्स वाई और जेड है वो हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसका ओ से लेके पी तक का एक वेक्टर भी हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, ये आर। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन का डायरेक्शन कोजाइंस का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन मोशन मतलब हो गया द कॉज ऑफ एंगल मेड बाय अ लाइन, बाय अ डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन्स, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन्स। यानी कि इस लाइन ने ये एक्स एक्स साथ एंगल अल्फा बनाया हुआ है, y एक्स साथ एंगल बीटा बनाया हुआ है, और z एक्स साथ एंगल गामा बनाया हुआ है, तब हमारे पास ये अल्फा बीटा गामा क्या बन जाएंगे, ये कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा बिकम्स द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। यहां हमने मान लिया लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द डायरेक्शन, बी द एंगल, विद एंगल मेड बाई लाइन विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो अब हमने क्या करना है, इनके कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा निकालने हैं। तो ये एल होता है हमारे पास कॉस अल्फा, एम होता है हमारे पास कॉस बीटा, और एन होता है हमारे पास कॉस गामा। यानी कि ये एल एम एन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल एम और एन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड जैसे निकाली जाती है, यहाँ पर जो डिस्टेंसेज हैं इनको कहते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज। तो इसके टर्म में कैसे निकाली जाती है, अगर हम इसको दो डायमेंशन की हेल्प से थोड़ा सा देखते हैं। तो सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है पी और ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, तो इसकी डिस्टेंस यहां से क्या आ जाएगी, वाई, और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा इसका डिस्टेंस। और अगर ये एंगल अल्फा है तो मैंने अगर कॉस अल्फा निकालना है तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बेस एक्स अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो भाई ये हाइपोटेनस हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो अगर मैंने कॉस अल्फा निकालना है तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाईस पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉस अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से बस यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट और हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ कॉस अल्फा हमारे पास निकल कर आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बीटा निकल कर आ जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और गामा निकल कर आ जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस बीटा इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड कॉस गामा इक्वल टू, जिसे हमने एन माना है, एन इक्वल टू कॉस गामा इक्वल टू ये हो जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। एक्स वाई एंड जेड क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। तो ये इनका जो रेशियो होता है, ये दो आपस में कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं एल अपॉन एक्स इक्वल टू एम अपॉन वाई इक्वल टू एन अपॉन जेड इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सब क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, ये सेम हो गया। तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं ये। अब यहां पर हम इनकी हेल्प से ये भी निकाल सकते हैं, अगर हमने
इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। क्या किया हमने, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू हमें 1 मिला करता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन्स। डायरेक्शन कोसाइन्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1 करके देख लेंगे हम। एल का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, एम का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन दिस, एन का स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर अपॉन दिस, और मुझे ये 1 मिल जाएगा। अभी करके दिखा देते हैं हम ये चीज। यहां समझ लेंगे कि कोई भी लाइन है, उस लाइन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हुआ है वो हमने अल्फा बीटा और गामा मान लिया। इन एंगल का कोसाइन क्या कहलाता है, कॉस, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। बड़ा ही सिंपल एक ये हमारा लॉजिक है। कोई भी डायरेक्टेड लाइन, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उनका कॉस क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन्स कहलाएंगे। हमेशा याद रखेंगे ये लाइन को अगर मैंने किसी पॉइंट से एक पॉइंट दिखा दिया है और ये ज्वाइन जो कर दिया, जिसकी डिस्टेंस जो है एक्स वाई और जेड एक्सिस से, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, मेक द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन्स एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन कोसाइन्स आर रिटन इन द फॉर्म इन द टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। ये डायरेक्शन कोसाइन्स हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज की टर्म में लिखे हुए हैं। एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, ये एक्स वाई जेड आर द डायरेक्शन रेशियोज। ये यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज हैं। और ये एल एम एन जिनको हम कॉस अल्फा, मेनली कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन्स, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एम और एल से। तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आता है। ये फॉर्म याद रखिए, अभी इसको हम करके बताते हैं अभी आप लोगों को। नाउ वी हैव डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। अब हमारे पास अगर कोई लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, यहां हम देखते हैं कोई लाइन ऐसे दो पॉइंट से पास हो रही है, मेरे पास ये लाइन है। तो अब ये लाइन है, यहां पर मैंने दो पॉइंट एक एक्स वन वाई वन और जेड वन और एक्स टू वाई टू एंड जेड टू, है ना। तो लाइन जो है हमारे पास वो दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी है हमारे पास एक्स वन वाई वन और जेड वन, और दूसरा पॉइंट क्यू है हमारे पास एक्स टू वाई टू एंड जेड टू। अब ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइन्स और डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर हमें निकालने हैं तो डायरेक्शन रेशियोज को हम ए बी सी मान लिया करते हैं। अब तो ए जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, बी आ जाएगा हमारे पास वाई टू माइनस वाई वन एंड सी आ जाएगा जेड टू माइनस जेड वन। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू आर द टू पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लाइन पासिस एंड ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन्स जो हमारे पास आएंगे एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा बिकम्स ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन, ए की वैल्यू और ये सारी वैल्यू लगा देते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है, हमने पहले ही यहाँ निकाल रखा है। तो ये एल हो गया, फिर एल जब हम निकालेंगे तो कॉस बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एल एम, फिर एन आ गया अगर हमारे पास तो सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन के बीच में डायरेक्शन कोसाइन्स निकल कर आ जाएंगे, यानी कि एंगल निकल कर आ जाएंगे एक्स वाई जेड एक्सिस से। क्लियर मछली। अब हम बात करते हैं कि अब जो हमें दो लाइंस अगर दे रखी हैं और हमसे कहा जा रहा है कि दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हमें मालूम है, तो वहां से उन दोनों लाइन की पैरेलल होने की कंडीशन, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन या उनके कोलिनियर होने की कंडीशन हम कैसे निकालेंगे, तो ये हम समझते हैं अब। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइन, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइन। दो लाइंस है हमारे पास, तो अगर हमारे पास कंडीशन आ जाती है तो हमने ये मान लिया लेट ए वन बी वन
वन एंड ए टू बी टू सी टू विद डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन्स। मेरे पास दो डिफरेंट लाइन्स हैं, ठीक है, उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, और इसी तरह से मान सकते हैं लेट एल वन एम वन एन वन एंड एल टू एम टू एन टू बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दीज लाइन्स। और उन्हीं लाइन के डायरेक्शन कोसाइन भी हमने ले रखे हैं और डायरेक्शन रेशियोज भी हमने ले रखे हैं। तो अब हमसे क्या कंडीशन कही जाएगी? तो अगर पहली कंडीशन ये है हमारे पास, इफ ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू जीरो है, ठीक है, ए वन ए टू बी वन बी टू या सी वन सी टू जीरो है, या हम ये कह सकते हैं एल वन एल टू एंड एम वन एन टू प्लस एन वन एन टू जीरो हैं, देन बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अगर दूसरी कंडीशन है हमारे पास, अगर हमारे पास ये आ जाता है, इफ ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, देन लाइन्स आर कोलिनियर या पैरेलल। तो लाइन्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे या पैरेलल हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट हमारा और है। तो ये दो और तीन कंसेप्ट की बेसिस पर हम अपने एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है वो फर्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें, कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद में आप लोग पहली एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिएगा। उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पहले हम आपको कंसेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद में आप लोगों को उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। अब सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 35 डिग्री विद द एक्सिस फाइंड देयर डायरेक्शन कोसाइन्स, ये डीसीएस बोल देते हैं शॉर्ट में, डायरेक्शन कोसाइन्स हमें निकालने हैं अगर उसके एंगल दे रखे हैं। तो यहां एंगल का मतलब क्या है तुम्हारे पास? एक एंगल अल्फा दे रखा है 90 डिग्री, बीटा दे रखा है 60 डिग्री एंड गामा दे रखा है हमें 35 डिग्री। इस तरह से हमें ये एंगल्स दे रखे हैं। अब इन एंगल्स की हेल्प से हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन्स निकालने हैं। देयरफॉर एल जो है हमारे पास वो क्या है? कॉस अल्फा है, दैट इज कॉस 90 डिग्री, जीरो हो गया। एम हमारे पास कॉस बीटा होता है, तो कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मतलब हो गया 1/2। और हमारे पास एन कॉस गामा दे रखा है, यानी कि कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री वैल्यू होगी √3/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन्स आ जाते हैं जब हमें क्या दे रखा होता है? एंगल दे रखा होता है, ठीक है। इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन होंगे करने के लिए, उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ पॉइंट दे रखे होंगे और हमसे कहा जाएगा पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, उन पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन बताइए, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी हो जाता है कि अगर क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोई लाइन है जो एक्स वाई और जेड एक्सिस से बराबर एंगल बनाती है, तब हमें उसके डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो हमने ये मान लिया सॉल्यूशन, तो लेट थीटा बी द एंगल। थीटा क्या है? एंगल। इसका मतलब क्या है? अल्फा बीटा गामा ऑल इक्वल टू थीटा। तो अब हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है या डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं उसके। तो हमारे पास एक कंसेप्ट है कि एल स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन होता है ना। एल का मतलब हो गया कॉस एल्फा, देन कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन हो गया। एल्फा बीटा गामा सब थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इन तीनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाई थ्री। फ्रॉम हेयर वी कैन गेट कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री। इसका मतलब एल इक्वल टू वी कॉस थीटा प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, एम इक्वल वी कॉस थीटा ही आएगा क्योंकि एंगल बराबर है, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, एन इक्वल टू कॉस थीटा ही आएगा ये गामा की वैल्यू भी, और प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एम एन तीनों के बराबर आ जाएंगे। ठीक, इसी के साथ साथ हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि हमें डायरेक्शन रेशियोज दे रखे होंगे और हमसे पूछा जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस निकालें, तो वो किस तरह से होगा। ये क्वेश्चन सही बच्चों की समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो एक्स वाई और जेड एक्स के साथ क्या बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है, तो उसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे। तो हमने क्या किया, एंगल थीटा मान लिया, यानी कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, थीटा आ गया। अब थीटा आने की वजह से हमारे पास ये कंसेप्ट हुआ करता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन हुआ करता है। इस कंसेप्ट का हमने यूज कर लिया और यूज करने के बाद में एंगल निकाल दिया। अब अगर हमारे पास सिंपली क्वेश्चन आते हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं इन टॉपिक्स पर, और उसके बाद में स्टूडेंट आप लोग खुद से बाकी के क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएंगे तो हमसे पूछेंगे बाद में। यानी कि हमसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इफ अ लाइन पासेज थ्रू टू थ्री वन एंड फाइव फोर टू देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। अभी अभी हमने बताया दो पॉइंट से जाने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट हो गए एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं टू थ्री वन और दूसरा है फाइव फोर टू। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, और डायरेक्शन रेशियोज हमने बताया था एबीसी मान लिया करते, तो ए निकल के आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन यानी फाइव माइनस टू थ्री। फिर निकालेंगे बी वाई टू माइनस वाई वन यानी वाई टू माइनस वन वाई माइनस फोर माइनस थ्री यानी कि वन। फिर निकालेंगे सी जेड टू माइनस जेड वन यानी टू माइनस वन यानी कि वन। यानी कि ये मान लेंगे इस तरह से एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू एंड जेड टू। जब डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास तब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो हम निकालेंगे एल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास थ्री अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर यानी थ्री स्क्वायर नाइन प्लस बी स्क्वायर वन प्लस वन यानी कि थ्री अपॉन अंडर रूट इलेवन। ऐसे हमारे पास जब एम आएगा, अब यहाँ कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा नहीं लेंगे क्योंकि जब एंगल दे रखे होंगे तब हम कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का यूज करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए। और अगर एंगल नहीं दे रखे होंगे, हमें डायरेक्शन रेशियो दे रखे होंगे, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए। जब एम निकालेंगे तो ये होगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू है वन और ये पूरी वैल्यू हमने क्या निकाली अंडर रूट इलेवन, इट बिकम्स वन अपॉन अंडर रूट इलेवन। सिमिलरली एन इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू हमने निकाली, सी की वैल्यू वन, वन अपॉन अंडर रूट इलेवन। तो ये हमारे पास इस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस निकल कर आएंगे उस लाइन के जो दो पॉइंट से जा रही है। एक पॉइंट से जाएगी तो वो डायरेक्ट निकाल देंगे उसके जो पहला पॉइंट दे रखा होगा उसी के यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लाइंस को पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं, हम लाइंस को क्या कर सकते हैं, कोलिनियर है या नहीं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी बेसिस जो अब तक टॉप पढ़ा है हमने उसकी बेसिस पर। अब आगे बढ़ते हैं हम कि प्लेन में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इस वीडियो में आज इतना ही।